नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो चलिए आज हम बनाएंगे ऐसे अपनी दादी नानी के तरीके से। तो ये चावल लिए हैं मैंने, एक कटोरी से कम है। ये मैंने भिगो दिए थे 2 घंटे पहले। और इस चावल का निकाल देंगे अब पानी, और थोड़ा सा पानी मैं इन चावलों में से निकाल के रख लूंगी ताकि जैसे हमें जब ऐसे बनाएंगे ना, तो अगर जो ऐसे का जो आटा होता है वो टाइट हो जाए, तो ये पानी डाल के अच्छे से उसको लूज कर सकें। तो ये देखिए कॉटन का कपड़ा ले लिया है, उसमें मैंने चावल फंसा लिए हैं। और इस चावल की पोटली बना के कम से कम 6 घंटे के लिए इसको टांग देंगे, पोटली को, ताकि इतना टांग देंगे जैसे ऊपर से छूने में या चावल सूखे लगे, इस तरीके से टांग देंगे। और ये कम से कम 6 घंटे बाद मैंने ये पोटली खोली है, और ऊपर से सूख चुके हैं और अंदर से देखा है तो गीले हैं। बस ऐसा ही चाहिए हमें। तो ये चावल एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, और अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। और मिक्सी में डाल के चावल पीसेंगे ना, तो उनको रोक रोक के मिक्सी चलानी है, एक साथ नहीं चलानी, और बीच बीच में चम्मच से भी चलाते जाना है, ताकि जो ऊपर नीचे चावल जैसे रह जाते हैं ना, तो वो बराबर पीस सकें। तो चावल पिस चुके हैं, तो ये मैं चलनी से छान लूंगी चावलों को, क्योंकि ऐसा होता है बीच बीच में थोड़े थोड़े चावल रह जाते हैं ये मोटे मोटे। तो इनको पीस लो, चाहे इसको हटा दो, लेकिन पीस के डालना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चावल मैंने सारे छान लिए हैं, और ये ले लिया है बूरा, और बूरे को भी हम छान के यूज करेंगे। ये भी आधा कटोरी लिया है, क्योंकि मेरे घर में कम मीठा खाते हैं, तो इसलिए मैं आधी कटोरी डाला है। और आप जैसे इस नाप से बनाओगे तो आप थोड़ा ज़्यादा मीठा भी बना सकते हो। दोनों चीज़ों को छान लिया है, और ये ले लिया है मावा। मावा 50 ग्राम से भी कम लिया है मैंने, और इस तरीके से इसको मिला लेंगे। और ये मिलाते मिलाते ही बढ़िया सा आटे की तरह गुन जाएगा, और इसको ऐसे थपथपाना है ताकि ये जो जैसे थोड़ा टाइट लगे ना, तो अच्छा लूज हो जाता है ऐसे। आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो ऐसे बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। जितना आप इस तरीके से थपथपा सकते हो उतना थपथपाओ इसको। मेरी नानी, मैंने देखा था जब बचपन में, ऐसे ही बनाती थी, और मेरी दादी, और अक्सर करके मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं। ये बहुत बढ़िया आटा बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। तो चलिए अब हाथों में तेल लगा लिया है मैंने, और ये छोटी छोटी से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे। और तेल भी गर्म हो चुका है, डाल देते हैं। और ये बिल्कुल कम गैस पे सिकते हैं, बिल्कुल कम गैस पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और जैसे एक एक डालते रहो, एक एक निकलता रहता है, ऐसे सिकते हैं ये, एक साथ नहीं डालते। ये 2 सिक चुके हैं, और ये बाकी के अभी ऐसे ही हैं। तो मैंने गैस बिल्कुल कम पे सेक रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, और ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं सारे सेक लेती हूँ। ऐसे ही सीख रहे हैं कि एक 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 डाला तो दूसरा निकाल दिया। ये प्लेट भर चुकी है, ये 3 बचे हैं, ये भी सेक लेती हूँ, और इनको ठंडा कर लेते हैं। और कम से कम आधे घंटे बाद ठंडे हो चुके हैं, और ये प्लेट लगा ली है। देखिए बढ़िया से ऐस इनर से बन के तैयार हो गए हैं। और अगर अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।